माँ बाप के लिए बोझ है लड़की, बस पैदा होना है उनके लिए गलत है। मोर उड़े, मोर उड़े, कबूतर उड़े। अब देखो ये क्या है, ये तितली है। मेरा नाम विजयलक्ष्मी शर्मा है, मेरी उम्र 22 साल की है और मैं बाल विवाह पे काम करती हूँ। यहाँ पे तो है ना माँ के पेट में ही लड़की की शादी तय कर दी जाती है। ये प्रथा के नाम पे बचपन छीन लेना ये बहुत गलत बात है। हमारे गांव में एक लड़की थी ममता बागरिया, वो 7-8 साल की थी तभी शादी हो गई थी और उस 13 साल की उम्र में वो माँ बन गई और माँ बनने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको देख के मुझे ऐसे लगा भाई जो ये लड़कियों के साथ हो रहा है ना जो बहुत गलत है। और उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे अब चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे बाल विवाह के खिलाफ कदम उठाना है। जैसे किसी लड़की की शादी होने वाली है हम वहाँ जाते हैं, उनके परिवार वालों से बात करती हूँ, उसके मम्मी पापा से बात करती हूँ और मैं उस लड़की की जो लड़की है शादी करने वाली उससे पूछती हूँ कि वो क्या चाहती है। तो ऐसे लगता है भाई वो अभी मेरे समझाने पर नहीं समझेंगे। फिर जाके उनको हम सब पूरी टीम जाते हैं और फिर कुछ धमकी देते हैं भाई अगर आप नहीं मानेंगे तो थाने में रिपोर्ट करके आएंगे आपके खिलाफ। जिन जिन लड़कियों की मैंने शादी रुकवाई है तो मुझे बोलते कि दीदी अगर आप नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। विजयलक्ष्मी दीदी जो मेरी ज़िंदगी में उस समय आई थी ना तो भगवान बन के आई थी। मेरे घर वालों को तो बुरा लगा लेकिन मुझे अच्छा लगा। जैसे किसी लड़की की शादी रुकवाने के लिए उनके घर पहुँचती हूँ तो हमें देख के दरवाजा बंद करके गाली गलौज करते हैं, फोन पे धमकियां देते हैं कि तुझे हम ऐसा कर देंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। सारा दुनिया के स्थानों पे मेरे नाम किसी लड़के के साथ जोड़ देते हैं। सुबह मेरे पापा जाते हैं फिर उसे साफ करके आते। तो मैंने पापा से कहा पापा ऐसी चीजों से कुछ नहीं होता है, लिखने दो ये सब जो जितना लिखा लिखने दो आप, क्योंकि अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो फिर मैं शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाऊंगी जब तक वो मेरा विरोध नहीं करते। मैं तो उनको बहुत अच्छा मानती हूँ। अब तक मैंने 25 बाल विवाह रुकवाए हैं और हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव हैं उन गांव में समय जाती हूँ और हमारे गुरु बने हुए हैं जैसे लड़कियों के भी हैं, लड़कों के भी हैं, महिला के भी हैं। मैं एक लड़का हो के इतना अच्छा काम नहीं कर सकता जो एक वो लड़कियों के इतना अच्छा काम कर रही है। इस लड़ाई की शुरुआत मेरे 10 साल हो गई है। जब तक हर लड़की को उसका बचपन नहीं मिल जाता तब तक ये मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जो अपने मजबूत इरादों से कुछ बड़ा कर जाते हैं, हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं, वही लोग इनविंसिबल इंडियंस कहलाते हैं। INS विक्रांत के फौलाद से बना वी ऐसे लोगों को सल्यूट करता है और आपसे अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेयर करें। आपके आसपास भी ऐसे इनविंसिबल इंडियंस हो तो हमें बताएं, हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे।